हाय दोस्तों, मैं आर्यन टेक विथ आर्यन की ओर से आप सभी का टेक विथ आर्यन पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप सबको सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से जॉस को डाउनलोड, इंस्टॉल और क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जॉस एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ ब्लाइंड पीपल्स अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए करते हैं। ये आपके कंप्यूटर में एक बार अगर इंस्टॉल हो जाए तो आपका कंप्यूटर टॉकिंग कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसके डाउनलोड प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मुझे वीडियो बड़ा नहीं करना है बहुत। अब अपना वेब ब्राउजर खोल लीजिए, मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे blindhelp.net। Blind Help Project Bar Envisioning a Brighter Tomorrow Through the Lens of Technology. Monday, 3rd. ये ओपन हो चुका है हमारे सामने। System Menu at Blind. ये Blind Help ओपन हो चुका है हमारे सामने। देखिए दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस होगा इसका। अब यहाँ पे आप Popular Today की हेडिंग ढूंढिए। Sir, make popular today link head. ये आ गया। अब इसके डाउनलोड नीचे JAWS 18 का लिंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम नीचे चलते डाउनलोड प्रेस करता हूँ एक बार और दो बार प्रेस करूंगा तब आएगा वो। विजिटेड लिंक JAWS 18 v18.0.274. ठीक है दोस्तों, ये JAWS 18 है, इस पे एंटर क्लिक कर देता हूँ मैं JAWS 18। ठीक है दोस्तों, अब ये लोड हो चुका है। Thursday, October 5. अब यहाँ पे JAWS की हेडिंग मिलेगी आपको। Sir, may JAWS 18 v18. ये हेडिंग मिल चुकी है हमें। अब हम डाउनलोड प्रेस करके डाउनलोड JAWS पे जाएंगे। click out of frame link graphic click cut link software for visually op link JAWS users whose vision loss prevents visited link graphic clickable JAWS provides speech we are provide if you are a read link on our download link download dash server 1:: JAWS 18.0.2740 full package 32-bit 335.8. ठीक है दोस्तों, इसके पास बहुत सारे सर्वर है तो आपको बोला है सर्वर 1 से डाउनलोड कर सकते हैं, आप सर्वर 2 से कर सकते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी यू नो टू बहुत बीट है, यानी कि 32 बीट के लिए भी है और ये 64 बीट के लिए भी है। पहला लिंक जो है वो 32 के लिए है, आप खुद सुन सकते हैं इसकी फाइल साइज 335 MB है 32 बीट के लिए। लिंक डाउनलोड क्रैक ओनली 32 लिंक डाउनलोड डैश सर्वर 1:: JAWS 18.0.2740 full package 64. ठीक है दोस्तों, ये JAWS 64 बिट के लिए है JAWS 18, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप अगर यहाँ पर सीधा डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है। आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तो एक zip फाइल आएगी, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उसको पहले, और उसके बाद आपके सामने एक फोल्डर आएगा, वो मैं आप सबको दिखाता हूँ। Start with this PC unknown, this PC window, N, L, L, tree, items, view list, S, software, I, all, items, view list, J, JAWS, item, FS. इस तरह का फोल्डर आएगा आपके सामने। Resist X, I. ठीक है दोस्तों, इस तरह का फोल्डर आएगा आपके सामने। यहाँ पे कई सारी फाइल्स है, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल है। Blind crack dash x64 crack x64, मैंने x64 के लिए लिया है 64 बिट के लिए, तो इसलिए मेरे पास ये फोल्डर आ रहा है। Blind help होम पेज fsocr installation instruction j18, ये सारा फाइल है। V credits दूसरा। ठीक है दोस्तों, इतनी फाइल्स है, लेकिन हमें सबसे पहले जाना है fs आमनी पे। ठीक है, fsocr इस पे क्लिक करते हैं। ये कुछ इधर secure desktop user account can ये यूजर अकाउंट का कंट्रोल है। यहाँ पे ऑल्टर एस प्रेस कर दीजिए, ऑल्टर वाई सॉरी नो बटन एन ऑल्टर वाई प्रेस करते हैं। Freedom Scientific Omni Page Setup Package Dialog Welcome to the Freedom Scientific Can Next Button Alt Plus Next पे क्लिक कर दीजिए। Please wait dialog Notice Space। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज किया था, तो ये Freedom Scientific इंस्टॉल हो चुका है। देखिए
Freedom Scientific Omnipage 19 Dialog Freedom Scientific Omnipage 19 Setup completed successfully. OK button. Freedom. OK पे क्लिक कर दीजिए. उसके बाद कुछ देर आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ प्रोसेस करता है. उसके बाद जब आप OK प्रेस कर देते हैं उसके बाद अब J18 वाली फाइल पे जाना है हमें. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं J प्रेस करता हूँ. इसको एंटर कर देते हैं. ये फिर से यूजर अकाउंट आ चुका है हमारे पास. इस पे ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं. Desktop list Google Chrome 4 of 14. Welcome to JAWS, job access with speech. Press enter to begin the installation or press escape to cancel. The setup for the talking installation could take several minutes to begin once you press enter. During this time you will hear clicks while the files needed for the talking install are copied. ठीक है दोस्तों, आपने पूरी ये सुनी. इसके बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करना है. JAWS 8 recent locate JAWS setup package row 1 JAWS next button. ये next button है, इस पे क्लिक कर दीजिए. Please wait dialog. और ये setup install होने लगेगा, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ. Note its pace. F8. दोस्तों Alt. जब आप JAWS का installation कर रहे होंगे तब आपको बीप सुनाई देंगे, कुछ टक टक की आवाज़ सुनाई देगी. जब वो आवाज़ बंद हो जाएगी तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा. JAWS इंस्टॉल का इंटरफेस होगा वो. Tab cancel button context menu cancel button. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला स्टेप कुछ नहीं है, बस आपको नेक्स्ट कर देना है. अब जब आप ये स्टेप कर रहे होंगे तब आपके पास JAWS का ऑन वॉइस होगा. Tab next button space JAWS install dialog and dash user license tab read only edit shift tab I accept the space checked license और टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट पे जाइए. शिफ्ट टैब बैक शिफ्ट टैब कैंसिल बट शिफ्ट टैब नेक्स्ट बटन स्पेस जॉस इंस्टॉल डायलॉग चूज सेटअप टाइप. टिपिकल यहां पे सिलेक्ट कीजिए. चूज सेटअप फाइल आपको बोल रहा है तो यहां पे आपको टिपिकल सिलेक्ट करना है, कस्टम नहीं. टैब शिफ्ट टैब टिपिकल स्पेस जॉस. अब यहां पर आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है. फिर इसके बाद जब आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे तब मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लगा तो हमारा वीडियो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. लेकिन उसके बाद जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके पास वापस वीडियो को स्टार्ट करके आऊँगा. ठीक है दोस्तों. Tab, shift tab, install button, space, JAWS install dial, Windows B, note, space, F8, alt tab, JAWS install. ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा JAWS install, JAWS इंस्टॉल लेसन कंप्लीट वो सक्सेसफुली. ठीक है, यहाँ पे आपको फिनिश बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है. Space installer information dialog. You must restart your computer before using Freedom Scientific JAWS 18.0. Choose yes to restart now or choose no if you want to. ठीक है दोस्तों, ये वार्निंग आ चुकी है कि अगर आपको JAWS यूज करना है तो इसको पहले रिस्टार्ट करना होगा अपने मशीन को. यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करना है आपको. ठीक है दोस्तों, तो मैं ये वीडियो यहाँ पे पॉज करता हूँ और उसके बाद आपको रिस्टार्ट के बाद क्या आएगा वो आप सबको बताता हूँ. ठीक है दोस्तों. बी स्पेस. हेलो दोस्तों, तो मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया, इस तरह से मेरे पास आ चुका है. तो दोस्तों अब बात आती है कि हम लोग इसे क्रैक कैसे करें इस JAWS को, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में 70,000 रुपीज़ है. तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है और हम इतना परचेस नहीं कर सकते, तो हम लोग इसका क्रैक वर्जन कैसे यूज़ करें, क्योंकि यह 40 मिनट मोड में रन होता है. जब ये डेमो आप अगर इसका लेंगे ट्रायल वर्जन तो यह 40 मिनट के लिए रन होगा. उसके बाद आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही आपका आगे चलेगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो किस तरह से होगा. पहले हम लोग विदाउट क्रैक रन करके देखते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई फेक आइडिया लेके आ रहा हूँ आपके सामने. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना. ठीक है, मैं पहले अपना स्क्रीन एनवीडिया को क्लोज करता हूँ. एग्जिट एनवीडिया नॉट. मेरा
तो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों JAWS Professional JAWS Activation Dialogue. This application requires authorization to run on this system and will continue in 40-minute mode. For a full version, please select the Update Authorization button. Update Authorization button to act. ठीक है दोस्तों, यह आ चुका है कि आप अगर इसका परचेस नहीं करेंगे तो यह 40 मिनट के लिए चलेगा. तो आप में से कई लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि हम लोग क्यों इसका कोड क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको इसका डोंगल रिक्वायर है. हाँ दोस्तों, डोंगल इसका आप अगर अपने यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे तभी ये क्रैक वो अपना सीरियल की के साथ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वो स्टार्ट नहीं होगा. और ये प्रॉब्लम रहती है कि हम इसे क्रैक कैसे करें. ठीक है, तो अब हम इसका क्रैक पार्ट पर चलते हैं. मैं फिलहाल इसको क्रॉस कर लेता हूँ, जो उसको ही बंद कर देता हूँ. Welcome to NVDA. Okay, best. तो वापस अपने फोल्डर में जाइए, जो उसके डाउनलोड करने किया था जो आपने वही फोल्डर में. T this PC for this PC window tree view level L I type IIS softwares fifth item all items view J items view K I. उसके बाद जब आप वो फोल्डर में चले जाए तो उसके बाद आपको क्रैक 64, मैंने 64 के ले लिया है तो क्रैक 64 होगा. शायद आपके पास आपने 32 के ले लिया हो तो क्रैक x86 आएगा या फिर 32 आएगा. ठीक है, उसमें एक फाइल होगी JFW. देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ. JFW 3 of 4, ये रही वो फाइल JFW. इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और अब अपने कंप्यूटर पर चलते हैं. वापस सी ड्राइव में जाना है आपको. आइटम Recycle bin 1 of 15. अगर आपको ये नहीं करना है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देता हूँ. JAWS पे जाइए, डेस्कटॉप पे JAWS 18.0, राइट क्लिक कीजिए इस पे, डेस्कटॉप मेनू JAWS कॉन्टेक्स्ट मेनू, और उसके बाद जाइए ओपन फाइल लोकेशन में. ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन आ 18. ये देखिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट इसी ड्राइव में आ चुके हैं. हमें मेन्यू ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे टाइम काफी वेस्ट तो नहीं होता हमारा टाइम. अब यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, रिप्लेस और स्किप. रिप्लेस पे क्लिक करना है आपको, रिप्लेस और स्किप फाइल का ऑप्शन ऑप्शन आएगा. स्किप रिप्लेस स्पेस कॉपी. अब कंटिन्यू विद ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर राइट पे क्लिक करना है. स्किप कंटिन्यू विद ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर राइट स्पेस पॉज. और ये पेस्ट हो गई मेरी फाइल. ठीक है, 80 JFW 60, ये पेस्ट हो गई है. English left. अब वापस उसी क्रैक फोल्डर में जाइए. Crack dash tree view item. यहाँ पे दूसरी फाइल देखिए, my certificate ऐसी होगी. My certificate 4 of 4. इस पे राइट क्लिक कीजिए. Context menu. और install certificate पे क्लिक कर दीजिए. ठीक है दोस्तों, install certificate. Oh, install certificate I. Certificate in. यहाँ पे देखिए certificate import wizard आ चुका है आपके सामने. तो आपको पहला step बोल रहा है कि आपको वहाँ पे install करना है इसे. तो दूसरा वाला option select कर लेते हैं हम लोग, local machine. Local machine radio button checked, alt plus L. Next पे click कर देते हैं. Next page, secure desktop, user account. Okay, simple, मेरा user account control है. मैं यहाँ पे older white press करूँगा. Certificate import wizard automatically select the certificate store base. ये देखो पहला सिलेक्ट होगा, automatic select certificate. नहीं, आपको ये नहीं करना है. दूसरा वाला, place all certificates in the following store radio. Place all certificate into the following store. ठीक है, certificate browse. और यहाँ पे टैप टैप करके browse पे जाइए. Select cert. ये सीधे certificate location आ गए. इसमें भी second वाला option select करें दोस्तों. ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो import wizard है उसमें आपको हर ऑप्शन में आपको सेकंड वाला ही सिलेक्ट करना होता है. तो ये देखिए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट ऑथोराइजेशन, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज ऑथोरिटी. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑथोरिटी. अब यहाँ पे ओके कर दीजिए. ओके सर्टिफ. और अब वापस नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए. नेक्स्ट बटन स्पेस प्रेस. ये सिर्फ आपकी समरी आ चुकी है, यानी कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है. अब केवल सिंपल फिनिश पे क्लिक कर दीजिए. फिनिश बटन स्पेस सर्टिफिकेट इंपोर्ट विजार्ड डायलॉग. द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल. ओके, ये मैसेज आ जाएगा, सर्टिफिकेट इंपोर्ट विजार्ड वाज सक्सेसफुल. ठीक है, यहां पे ओके पे क्लिक कर दीजिए. क्रैक डैश. ये आपका सक्सेसफुली JAWS क्रैक हो चुका है. यार तुमने तो बोल दिया, हम लोग कैसे माने.
ठीक है अब सबको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ JAWS Home Use Edition, JAWS Startup Wizard Dialogue, Speech Settings. देखे दोस्तों ये successfully हमारे सामने JAWS का settings आ चुका है इसका मतलब है कि हमारा JAWS successfully crack हो चुका है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please इसे share और like करना ना भूले और मेरी चैनल को subscribe करना ना भूले ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले tutorial के साथ thank you so much Windows B unavailable Windows Space